needed to produce what force would be needed to produce an acceleration of 4 meter per second square m oblique s ka square meter per second square in a ball of mass 6 kilogram तो एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ठीक है मास कितना दे रखा है 6 किलोग्राम वो पूछ रहे हैं कि फोर्स बताइए कितना होगा तो फोर्स कैसे निकाला जाएगा लास्ट टाइम हमने डिराइव करा था फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एफ इज इक्वल टू एम ए ये करा था तो एफ इज इक्वल टू एम ए मास कितना है 6 ए कितना है 4 6 4 जा 24 न्यूटन फोर्स की जो यूनिट है वो न्यूटन ही होती है न्यूटन लिख दिया है 24 न्यूटन लास्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड क्वेश्चन नंबर 2 एक्सक्यूज मी सर हां जी बोलिए सर क्लियर नहीं दिख रहा बेटा मैंने ना यहाँ पर लैपटॉप जैसे कनेक्ट कर रखा है इसमें तो क्लियर आ रहा है एक बार रिकनेक्ट करके देख लो आप ओके सर हाँ क्या बताऊँ कनेक्शन तो ठीक आ रहा है इधर नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिएगा व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाई अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन्स फोर्स ऑफ 12 न्यूटन्स कैपिटल एल लिखो 12 न्यूटन्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 किलोग्राम What is the acceleration produced by a force of 12 newton? तो force कितना दे रखा है हमको 12 newton का. By a force of 12 newton exerted on an object of mass 3 kilogram. तो mass कितना दे रखा है? 3 kilogram. तो हमने ये देखा F is equal to ma. तो यहाँ से a कितना हो जाएगा F upon m. ठीक है? तो since F is equal to ma, it implies that a is equal to A is equal to F upon M. तो A is equal to F कितना है 12 और M कितना है 3. तो 3 4s are. तो ये कितना हो जाएगा 4 meter per second square. M oblique S का square लिख दो या M S की power minus 2 लिख दीजिए. वो meter per second square ही कहलाता है. Clear? सही है. आप ही देखिएगा कि formula हमारे पास होता है force is equal to mass into acceleration. F is equal to ma. मास दे रखा है 3 किलोग्राम याद रखिएगा मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट है ऐसा यूनिट है वो किलोग्राम किलोग्राम ही होती है वो 3 किलोग्राम और जो फोर्स है उसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है तो जब F is equal to M upon A है वो सॉरी M into A है तो A क्या हो जाएगा M जो है वो फोर्स के नीचे आ जाएगा
तो एफ अपॉन एम इज इक्वल टू ए लिखो या ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम पलट कर लिख दिया मैंने इसको, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स कितना है पर एम कितना है थ्री, तो थ्री फोर का टर्म फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया सही है। हाँ जी अभी दिखाई दे रहे हैं सृष्टि बेटा, कुछ फिर इंटरनेट की होगी उधर प्रॉब्लम, यहाँ बिल्कुल सही चल रहा है क्योंकि मैं यहाँ कैमरे के साथ में लैपटॉप भी इसीलिए कनेक्ट करके रखता हूँ कि मुझे दिखता रहता है कि क्लियर दिख रहा है इधर, तो इधर का तो कनेक्शन ठीक है, देख लो अगर हो सके तो, नहीं तो फिर वीडियो फिर प्रोसेस करके एक दो घंटे में ही भेज दूंगा मैं, और क्या थोड़ी देर देख लो ट्राई करके, अगर दिखाई दे जाता है ठीक से तो चलिए जी अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन थ्री, क्वेश्चन थ्री में है कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार, कैलकुलेट कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 10 ए, और 10 को इधर ले रहा हूं
20 अपॉन m इज इक्वल टू a, 0 से 0 कट गया, 3 इज इक्वल टू a, यानी कि एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 15 न्यूटन किलोग्राम, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4500 न्यूटन, 4500 न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 4, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ कार इज गिवन अलोंग साइड, time graph of a car is given alongside full stop, the car weighs 1000 kg the car weighs 1000 kg first step, what is the distance traveled by the car in the first 2 seconds, distance traveled by the car in first 2 seconds, question mark, second part what is the braking force applied at the end of applied at the end of 5 seconds at the end of 5 seconds s 5 seconds 5 seconds to bring the car to a stop within 1 second जो ग्राफ दे रखा है वो बना रहा हूं, यहां पर लिखिएगा a इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 एक मिनट वेट करिए, हेलो हेलो जी, नमस्ते सर जी, हाँ जी,
हाँ ठीक है सर। हाँ जी बी बी ए, ये नहीं पता था, ये पता था, हाँ ये पता था, नहीं ये भी पता था जी, हिताची का भी पता था, मिला था ना, मेरे को याद आ गया। हाँ जी अभी पढ़ा रहा था जी, मैं 15-20 मिनट में करूँ जी फोन एक बार, है ना, मैं करता हूँ। ठीक है जी सर, ठीक है। एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया है PCS में, तो उसके फादर का फोन आया। PCS जानते हैं आप लोग, IAS PCS सुना होगा, UPSC का एग्जाम। किसी बच्चे का टारगेट है क्या, वो कोई चाहता है वो करने? नहीं। चलिए, समय के साथ साथ धीरे धीरे टारगेट्स चेंज होते रहते हैं। तो 4 साल से वो मेहनत कर रहा था, तो ये मतलब एक UPSC होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका एग्ज़ाम जो है ना वो इंडिया का नहीं, वो वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक है, वो काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम होता है। और धीरे धीरे क्या है, अभी जैसे 9th क्लास में है, तो शायद हो सकता है आप में से ज़्यादातर बच्चों का पढ़ने का मन ही ना करता हो, कि ज़बरदस्ती पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ दे पढ़ दे पढ़ दे, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, ये वो सब डायलॉग सुनने के लिए मिलते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सुबह सोकर उठ रहे अपनी मर्ज़ी से तो शायद कोई भी नहीं उठता, लेकिन हाँ अगर 2-4 दोस्तों का ग्रुप बन गया है, और अगर किसी दोस्त ने ये कह दिया कि भाई कल सुबह क्रिकेट खेलने चलना है ना, तो जो अलार्म है ना, अलार्म भी नहीं बजेगा, अलार्म से भी पहले आप कूद के उठ जाओगे, है ना। और फिर ये है कि नहीं नहीं यार तो चलना ही चलना है। फिर कई बार ऐसा होता है कि नहीं नहीं मौसम बहुत अच्छा है, और बारिश अगर हो रही होगी तब तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता, बारिश होगी तब तो जरूर निकलेंगे, सब साइकिल चलाने जाएंगे सुबह सुबह। तो उसमें भी सारे बच्चे उसमें भी मतलब बड़े जोश के साथ में उठते हैं, तो क्या है कि वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब जैसे सुबह उठाते हैं ना स्कूल के लिए उठाते हैं, तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि जैसे आपको सुबह उठाया, उठाने के बाद में मतलब उठने का तो मन करता ही नहीं है, किसी भी बच्चे का नहीं करता है, तो ज़बरदस्ती उठाया जाता है, और फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है, क्योंकि सर्दियों में जो रजाई होती है वो हटा ली जाती है ऊपर से, ठीक है, और जो गर्मियाँ होती हैं गर्मियों में पंखा AC कूलर जो भी चल रहा है वो सब कुछ बंद कर दिया जाता है, ठीक है, पसीने में हमको तड़पने के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है, फिर ज़बरदस्ती धोते हुए पैर पटकते हुए बच्चा उठते हुए जाता है, और कुछ नहीं तो बाथरूम का दरवाज़ा ही देकर मारा बहुत ज़ोर से, गुस्सा उतार दिया उसी के ऊपर, फिर बाहर से आवाज़ भी आती है कभी मम्मी की तो कभी पापा की, बाहर निकल तुझे तब बताऊँगा मैं, पहले तो बाहर निकल। अब आप कोशिश करते हो कि थोड़ा सा ना टाइम बीत जाए, तो आप बाथरूम से 5 या 10 मिनट बाद निकलते हो, उसमें होता क्या है कि वो जो 5-10 मिनट की विंडो होती है, ये भी साइकोलॉजिकल एक कॉन्सेप्ट है, कि अगर वो जो 5 या 10 मिनट की विंडो है उसमें मम्मी या पापा जो भी है ना उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, और गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, तो कुछ नहीं कहते, है ना, ध्यान रखा कर, बदतमीजी मत दिखाया कर, या दरवाजे वरवाजे पर जो है ना ज़्यादा ताकत मत दिखाया कर, अपने काम कर, जल्दी जल्दी तैयार हो, बस इतना कह के वो भी अपने काम पर लग गए। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, और उसी दौरान वही जो 5-10 मिनट है, उन्हीं 5-10 मिनट में जब आपका उठने का मन नहीं कर रहा था और पैर पटक रहे थे, ठीक है, और मन में ये ख्याल आ रहा था कि मुझे लग रहा है कि मेरे दुश्मन यही पैदा हुए हैं मेरे घर में, ठीक है, तो ऐसा भी लगता है कि माँ बाप से बड़ा तो दुश्मन कोई है ही नहीं। अच्छा, तो फिर वो जो 5-10 मिनट है ना, उन 5-10 मिनट में दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं कि फिर अपने आप ही लगने लगता है, फिर हम भूल जाते हैं कि हम लेटे भी नहीं थे। अब अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती कहते कि नहीं भाई लेट जा, तो उठ गए तो ठीक है कोई बात नहीं, फिर नींद भी आसानी से नहीं आती। कुछ तो है ऐसे कुंभकर्ण जो दोबारा भी नींद आ जाती है, उनको भी आधे घंटे बाद भी उनको लिटा दो तो पूरा पूरा दिन भी सोकर गुजार सकते हैं, कुछ तो ऐसे भी है, लेकिन ज़्यादातर के साथ में ऐसा है कि उठ गए तो फिर उठ गए। तो वही चीज़ पढ़ाई का भी है, मतलब कई बार आपने नोटिस करा होगा, और मैंने तो खुद अपनी लाइफ में नोटिस करा, मतलब मेरे को इतनी गंदी लगती थी पढ़ाई, इतनी बुरी लगती थी कि मन ही नहीं करता था पढ़ने का, और ये लगता था कि क्या हमारा बचपन बर्बाद कर रखा है, अभी खेलने क्यों नहीं देते, तो और खेलने जाते थे तो वहाँ से मतलब वापस आने का मन ही नहीं करता था,
वहाँ से ज़बरदस्ती बुलाए जाते थे, खींच कर या पीट कर किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती लाए जाते थे हम घर पर। तो ये होता था कि जैसे मम्मी है तो पापा थोड़े लिबरल थे, है ना, जब गुस्सा आता था तो फिर कूटते भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन वैसे थोड़े से मतलब छूट दे देते थे इस चीज़ में कि चलो ठीक है, वो ताना मार देते थे एक कोने में बैठ कर, कोई बात नहीं पढ़ेगा रिक्शा चला कर लाइफ गुजार ही लेगा, कोई बात नहीं, है ना, ठेला चला लेगा रिक्शा चला लेगा, इस तरीके की कुछ ना कुछ डायलॉग आ जाते थे। कुछ दिन ज़्यादा गुस्सा है, अरे भीख मांग कर तो काम चल ही जाएगा, है ना, तो इतना भी हो जाता था। तो ऐसे डायलॉग सुनने को मिलते थे, पता नहीं आजकल मिलते हैं या नहीं, मुझे मिलते थे, मिल जाते हैं आजकल, मिल जाइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये डायलॉग नहीं है, ये प्रसाद है, ये प्रसाद है, कुछ टाइम बाद आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें जो हैं ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में। तो ये जब सब कुछ होता था ना, तो उसमें मम्मी तो बहुत दुश्मन दिखाई देती थी, पापा का ये था ये डायलॉग मार देंगे नहीं, ठीक है इधर से सुना इधर से निकाला, कोई नहीं, पढ़ने के लिए चिक 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 तो नहीं कर रहे ना मम्मी की तरह, मतलब पीछे ही पड़ जाते हैं, और डांटना शुरू करते हैं तो यही नहीं समझ में आ रहा कि चुप कब होएंगी, डांटे ही जा रही है, डांटे ही जा रही है, भैया चुप भी हो जाओ, अगर ऐसा कह दिया कि बस हो गया मैं इतने में समझ गया हूँ, अब और मत डांटो मुझे, तो और ज़्यादा डांट पड़ जाती थी कि अच्छा मुझे समझाएगा, फिर पढ़ भी जाता था। तो कई बार ऐसा भी होता था कि गुस्से में मुँह से ही निकल जाता था हमारे, बस ऐसे भी निकल जाता था मुँह से, तो ये नहीं इतनी टोन को क्या हुआ है, कैसे बच्चों को बैठना शुरू कर दिया इधर, तो उस पर भी खुराक मिल जाती। तो मैंने ये देखा धीरे 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 जब उम्र बढ़ी, आपकी भी बढ़ेगी उम्र तो आप भी सीखोगे ये चीज़ समझ में आएगी। तो अभी आपको हंसी इस वजह से आ रही है क्योंकि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ मेरे साथ भी यही होता है, मेरे साथ भी यही होता है। तो सबके साथ यही होता है, हर माँ एक जैसी है, हर फादर एक जैसे है, कुछ कुछ अलग भी है लेकिन ज़्यादातर माएँ जो हैं माएँ तो एक जैसी ही हैं। तो अब उसमें क्या होता था कि जब मम्मी को ये दिखाई दे गया कि ये एक नंबर का ढीठ है, ये पढ़ेगा ही नहीं, इसने ठान लिया है कि मुझे तो अगर मैं 8th क्लास में हूँ तो मुझे 9th में जाना ही नहीं, मुझे इसी में लटक के फेल ही हो जाना है एकदम। तो फिर क्या होता था कि चाहे वो थकी हुई हो चाहे कुछ भी हो, फिर वो मेरी बुक लेकर बैठ जाती थी, दिखाई दे क्या हुआ है, दिखा ये करके दिखाता, करके दिखाया, ज़बरदस्ती मन ही नहीं कर रहा है करके दिखाया, फिर अच्छा तो दूसरा क्वेश्चन करके दिखा, दूसरा क्वेश्चन करके दिखाया, फिर डर ये होता था ना कि चांटा पड़ जाएगा, तीसरा भी करके दिखाना। तो बड़े बेमन से क्वेश्चंस करते थे, लेकिन एक दो तीन क्वेश्चंस होने के बाद में ना फिर चौथा कहने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ती थी, फिर हमें लगता था यार आसान चीज़ तो है, बिना मतलब बच रहे हैं इससे, फिर पढ़ते रहते थे। तो अगले दिन अगर छोड़ दिया कुछ नहीं, किताब तो भूल ही गए, कहाँ है किताब, क्लास वर्क होमवर्क क्या है कुछ नहीं पता, तो वो कंसिस्टेंटली मम्मी लेकर बैठते थे। और फिर धीरे 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 ऐसा हो गया जैसे मोटर स्टार्ट होती है ना, और मोटर स्टार्ट होने के बाद में फिर तो लाइट का कनेक्शन ही काटना पड़ेगा, मतलब मम्मी को फिर घर से कहीं जाना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे। तो मोटर जो है, मोटर जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर मज़ा आने लगता है, मज़ा इस चीज़ का आने लगता है कि एक बार नंबर अच्छे आ जाए, एक बार नंबर अच्छे आ जाए। गलती क्या हो गई कि मेरे से नहीं टीचर से गलती हो गई कि मुझे ये था कि नंबर कम आ जाएंगे, तो मम्मी को केमिस्ट्री नहीं आती थी सर, जो है ना पूरी जो बुक है, पूरी बुक पूरा जो टेक्स्ट है रटवा दिया, रट डाल इसको, रट डाल, है ना, रट के सुना नहीं तो खेलने ही नहीं जाने दूंगा, मैंने रट डाला सारा का सारा, सब रट डाला, चार चैप्टर थे चारों में चारों रट डाले, टेस्ट हुआ। केमिस्ट्री मुझे भी समझ में नहीं आती थी, मम्मी को भी नहीं आती थी, उन्होंने कहा कि बेटा क्या करें, तो रटने का ही अलावा और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, ICSE बोर्ड में था रट डाला। तो वहाँ पर क्या होता है, 6th क्लास के बाद से ही ना फिजिक्स अलग केमिस्ट्री अलग, अच्छा हाँ तुम तो थे ना ICSE में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब अलग हो जाते हैं, और जितनी साइंस की एक बुक है उतनी एक फिजिक्स की बुक होती थी, उतनी केमिस्ट्री उतनी बायो की, वो आज भी ऐसा ही है, ऐसा नहीं है कि ज़माना चेंज हो गया, ICSE का सिलेबस आज भी ज़्यादा है। जो केमिस्ट्री वाले सब थे मैंने सब रट डाला, तो उन्होंने अगर कुछ थोड़ा सा पूछा तो मैंने वो भी पूरा एक्सप्लेन कर करके लिखा है, क्योंकि सब आता था, याद आ गया, अच्छा इस शब्द से मिलता जुलता कुछ दिखाई दे रहा, भर दे, है ना, भर दे। अब तो वो मैंने ब्लफ नहीं मारा वहाँ पर, क्योंकि वो रट रखा था दिमाग में, छप गया था, तो वो सब लिखता गया लिखता गया लिखता गया, बी शीट सी शीट डी शीट पूरा वो बना कर दे दिया, 20 में से 20 नंबर आ गए, ठीक है, खड़ा कर दिया मेरे को क्लास में सबके सामने, और जो तारीफ़ें वाली हैं मेरी, अरे इससे बढ़िया तो लड़का ही नहीं है कोई, और इतना बढ़िया इतना वो, मैं मनी मन सोच रहा, मैंने कहा देखो क्या गलत कमी हुई है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं मनी मन ये सोच रहा मुझे कुछ नहीं आता, रट्टा मार के छाप के आ गया था, फोटो कापी निकाल दी थी एज इट इज़, वो गलत फहमी हो गई टीचर को। अब मैंने कहा ये गलत फहमी बनी रहनी चाहिए, है ना,
पूरी क्लास के सामने, जैसे होता है ना पूरी क्लास के सामने बेइज्जती हो गई बहुत बुरी तरीके से, तो दो तीन दिन तक किसी से कोई अगर देख कर मुस्कुरा भी दिया मेरे को चिढ़ा रहा है उस दिन की, उस दिन जो मेरी बेइज्जती हुई थी ना इसलिए आज चिढ़ा रहा है। तो वो जो छप गया सब बच्चों के दिमाग, सारे बच्चे ऐसे देख रहे हैं ये आसमान से उतरा एलियन है ना, क्योंकि किसी के 11 नंबर आ रहे हैं, किसी के 12 आ रहे हैं। वैलेंसी वगैरह भी पूछी गई थी, पता ही नहीं था प्लस क्या होता है माइनस क्या होता है, सब रट डाला है ना, बॉन्ड लिख डाला। बेंजीन होता है बेंजीन, तो बेंजीन में डबल बॉन्ड्स बनते हैं, 6 डबल बॉन्ड्स बनते हैं, तो वो एक बॉक्स जैसा बन जाता है। तो मैं उसको भी ऐसे याद कर रहा था कि 6 लाइन का डब्बा उसके ऊपर OH ऐसे रट्टा मार मार के कर डाला जुगाड़, नंबर बढ़िया आ गए। तो फिर गलतफहमी हो गई सबको, मैंने कहा गलतफहमी बनी रहनी चाहिए। तो वो जो गलतफहमी है वो कई बार किसी किसी बच्चे की लाइफ बदल देती है। तो आप लोग भी इस चीज़ को इतना जरूर ध्यान रखिए कि अगर मन नहीं करता है ना तो बस एक काम कर लेना, ज़बरदस्ती लेकर बैठ जाना। क्योंकि हो सकता है कि आजकल पेरेंट्स के पास उतना टाइम नहीं होता, पहले फिर भी थोड़ा बहुत टाइम होता था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है पेरेंट्स के ऊपर। फादर अलग बिजी रहते हैं, क्योंकि मेरे फादर ना 4-5 बजे तक घर आ जाते थे, ठीक है, मदर भी मेरी वर्किंग थी तो वो भी 4-5 बजे तक घर आ जाते थे। लेकिन आजकल ट्रैफिक कंडीशंस ऐसी हैं, आप में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके फादर मदर दोनों वर्किंग होंगे, तो उसमें ये होता है कि वो आ ही रहे हैं लेट 8 बजे 9 बजे या 10 बजे तक, तो वो ले मतलब वो आपको लेकर बैठ नहीं पाते कि साथ में लेकर बैठे। वो कंसिस्टेंसी जो है, वो जो ईमानदारी है, वो आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। मतलब खुद ही खुद का गाइड, मेंटोर, CCTV कैमरा वो खुद ही बनना पड़ेगा। CCTV कैमरा जानते हैं, जो हर वक्त नज़र रखता है, हर वक्त नज़र रखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई लड़का घर से निकला, निकल पहन के निकल गया, क्या पहन के जा रहा है, पैंट पहन के आ गया सर, ये क्या तरीका है। कोई बच्चा चला गया है ना, तो वो जो कोई बच्चा जा रहा है अगर किसी भी तरीके से ये कैसे कॉलर कैसे गंदे हो रहे, गंदे कपड़े कैसे पहन के जा रहे हैं, साफ कपड़े पहन के जा रहे हैं। तो वो जो CCTV कैमरा है, कई घर में ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, तो ग्रैंड पेरेंट्स भी समझा देते हैं कि भाई ढंग से रहो, ढंग से अपना आपका बिहेवियर प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे के मुंह से कुछ उल्टी सीधी भाषा निकल गई तो टोकना, ये कहाँ से सीख के आया भाई। तो वो जो CCTV कैमराज हैं वो धीरे धीरे मिस हो रहे हैं, पेरेंट्स भी नहीं दे पाते उतना टाइम, ग्रैंड पेरेंट्स भी ज़्यादातर मतलब वो नहीं ध्यान दे पाते उन चीज़ों का। वो आप लोगों को समझदार बनना है, 9th क्लास में है ना, और यहीं से बहुत बच्चों की ना तैयारी भी शुरू हो जाती है। आपने नोटिस करा होगा कुछ बच्चे आपके साथ के ऐसे भी होंगे जो अभी से IIT की कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे नीट की तैयारी 9th क्लास से कर देते हैं शुरू, बल्कि 6th-7th से कर देते हैं, ऐसा भी है। पता है नहीं किसी और दुनिया में जी रहे हो, अरे वो तो इसी दुनिया में पता तो होगा, नहीं पता, ठीक है। DPSR में है कोई बच्चा, राजनगर में DPS राजनगर में नहीं, DPS राजनगर में और एक नेहरू वर्ल्ड स्कूल, ये दो स्कूल्स हैं, उसमें 9th क्लास से ही स्टार्टिंग मतलब 9th क्लास से ही कुछ बच्चों को अलग कर दिया जाता है, जिन बच्चों का इंटरेस्ट है उस चीज़ में कि अभी से आप तैयारी करो। तो मैं ये नहीं कहता कि आप उतना करो, लेकिन क्या है ना कि छोटे छोटे भी अगर स्टेप्स लोगे तो वहाँ तक पहुँचने का ना फिर मन करने लगेगा आपके से। वो छोटे छोटे स्टेप्स ये हैं कि अगर मान लीजिए होमवर्क दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए हीरोन्स फार्मूला करवाया, हीरोन्स फार्मूला के इतने क्वेश्चंस भी दिए, तो वो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मोबाइल फ़ोन की गैलरी में पड़ा हुआ है ना, उसको निकाल कर देख भी लो, क्वेश्चंस कर लो, 5 दिए 5 मत करो भाई, 2 ही कर लो। तो बर्डन बहुत कम हो जाता है जब एग्ज़ाम आता है। और ये अभी जो ज्ञान दे रहा हूँ इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि 2-3 दिन में सबके स्कूल खुलने वाले हैं और स्कूल के साथ साथ आँखें भी खुलने वाली हैं, ठीक है, जो बंद थी 1 महीने से, तो छुट्टियाँ बहुत दिन है अभी, तो बहुत दिन 29th हो गई है, जून ख़त्म। तो वो नहीं होना चाहिए कि बाद में आपको सुनने को मिले, बहुत बुरा लगता है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि मतलब स्कूल में भी तुम्हें भेज रहे हैं, इतनी ज़्यादा फीस दे रहे हैं, ट्यूशन भी भेज रहे हैं, वहाँ पर भी इतनी फीस दे रहे हैं, तुम कर क्या रहे हो। और ये कहीं ना डायलॉग आप लोगों ने सुने होंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि वो मतलब टाइम है नहीं पेरेंट्स के पास, सीरियसली बता रहा हूँ। आप अगर किसी दिन ना कंटिन्यूसली अपने पेरेंट्स को वॉच करोगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा कि उनके पास वाकई में टाइम नहीं है कि वो आप लोगों को लेकर बैठे। मतलब मैं तो लकी था, मेरी मदर मेरे को लेकर बैठती थी, नहीं तो मैं नालायक ही हो जाता सच में, शायद रिक्शा चला रहे होते। मैं बता रहा हूँ मतलब उसमें कोई ज़्यादा देरी नहीं होती, क्योंकि मतलब हम ये सोचते हैं कि क्या ऐसा है, क्या हम इतने बर्बाद हो गए कि क्या रिक्शे चलाएंगे, क्या मम्मी पापा ने कुछ सेविंग्स ही नहीं करी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी एनर्जी, आपका दिमाग कहीं ना कहीं तो लगेगा ना। हमारे साथ भी थे ऐसे बच्चे जिनका दिमाग कहीं और लगने लगता था, क्योंकि दिमाग, आपने रोटी खाई, खाना खाया, तो एनर्जी डेवलप हुई है, एनर्जी डेवलप हुई है वो कहीं ना कहीं निकलेगी भाई,
अब वो कहीं ना कहीं कैसे निकलेगी, तो खेलना शुरू कर दिया। अभी क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं तो ग्रुप्स बन गए, टीम्स बन गई, टीम्स बन गए तो जीतने में वो हमारी टीम जीत गई तो हमको सबको कोल्ड ड्रिंक तुम पिलाओगे। कोल्ड ड्रिंक तो चलो ठीक है, फिर कोल्ड ड्रिंक के बाद में फिर वो कोल्ड ड्रिंक के बाद कब बियर शुरू हो जाती है, बियर के बाद कब विस्की और स्मोकिंग शुरू हो जाती है वो पता नहीं चलता। तो इस वजह से ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें बर्बाद करती हैं। कुल मिलाकर टाइम को बर्बाद करना ही खुद को बर्बाद कर देता है। तो अपने आप को थोड़ा सा डिसिप्लिन करना है, एक डिसिप्लिन वे में काम करना है। ये ज़रूरत ना पड़े पेरेंट्स को कि वो बार बार चेक करें, ठीक है। और आपको भी ये ज़रूरत ना पड़े कि चल यार 5 मिनट की तो बात है, जरा देख लेता हूँ मोबाइल में, पता चला मोबाइल फ़ोन में लगे पड़े हैं, अपना कोई मूवी चल रही है, मोबाइल फ़ोन में गेम ही चल रही है। किलर गेमर भी तो होते हैं कई, हमारी क्लास में भी 10th क्लास में किलर गेमर फ़ोन आएगा, किलर गेमर लिखा हुआ आएगा उसमें, पता नहीं किसको किल कर रहा है, टाइम को ही कर रहा है किल। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि मतलब थोड़ा सा हंसी जरूर आ रही है आप लोगों को इस चीज़ पर, लेकिन अब जो है ना अब, और ये इस वजह से भी समझाने का मेरा मोटिव ये भी है कि चलिए अभी एक ये साल है और फिर उसके बाद दूसरा साल, ये देखो कैसा पागल हो गया है, इतनी तेज डराएगा, एक साथ ही आ जाते हैं इनके फ़ोन और नोटिफिकेशन दोनों। तो मतलब जब आप ये जो पूरा 2 साल का जो ड्यूरेशन है, ये जो पूरी जर्नी है 9th की और 10th की, 11th 12th मतलब ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है। तो 9th और 12th की जो जर्नी है इसमें आप ऑब्जर्व कर लोगे, कोई बड़ा भाई जो है कोई बड़ा सीनियर हो उससे पूछना, 10th के कंपैरिजन में 9th मुश्किल है, 9th में रोज आते हैं बच्चे। अभी लाइंस एंड एंगल्स आप लोगों ने पढ़ा था, अभी ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, सर्कल्स पढ़ेंगे, इतनी थ्योरम में परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो और जबकि 10th का सिलेबस जो है वो कंपेरेटिवली बहुत आसान है, साइंस का भी मैथ्स का भी दोनों आसान है। तो इसलिए यहाँ पर अब टाइम वेस्ट मत करना, समझ रहे हो, और मैं भी पीछे ना पढ़ूँ बार बार, होमवर्क क्यों नहीं करा है ना, टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आया है ना, पढ़ते क्यों नहीं हो, घर से शिकायत आ रही है, स्कूल से शिकायत आ रही है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। तो जो भी करना है वो अब शुरू कर दीजिए, क्योंकि जुलाई आपका स्टार्ट हो रहा है परसों से। ग्राफ देखो इसका क्या दे रहा है, ये जो कहानी स्टार्ट हुई थी ये इसी बच्चे की वजह से हुई थी जिसके फादर का फ़ोन आया था, ये पढ़ता नहीं था और फिर आदत ऐसी पड़ गई धीरे धीरे, ये आज पढ़ के BCSE निकाल दिया, मीटर पर सेकंड यहाँ पर ये स्पीड दे रखी है। ये A है, ये वाला पॉइंट है B, ये वाला पॉइंट है C, और ये जो 6 है ये वाला पॉइंट है D, ठीक है। अब देखिएगा उन्होंने पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स। तो पहले 2 सेकंड्स में डिस्टेंस कैसे निकलेगा, हम ये जानते हैं, दोबारा से रिकॉल करिएगा। अगर मेरे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसमें केवल एक चीज़ निकाली जाती है, उसका स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला जाता है। स्लोप से क्या आता है हमारे पास, वेलोसिटी, वो आ जाता है। स्पीड टाइम ग्राफ, अगर इसका स्लोप निकालूंगा तो आ जाएगा एक्सेलरेशन, और अगर इस ग्राफ के नीचे का एरिया निकालूंगा तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ जाएगा। वो वही पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स, ये एरिया निकाल दो ये वाला। अगर इसको मैं ई बोल दूं, ये 90 डिग्री है, ये ग्राफ है ना, तो इधर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल ही बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में। तो फर्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फर्स्ट
2 seconds is equal to area of triangle BEA. Area of triangle BEA. ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट. तो बेस कितना है ED और हाइट है BE. तो हाफ AE कितना है, मतलब दोनों ही AE इनटू BE, बेस इनटू हाइट. AE हो गया 2 और BE हो गया, ये पॉइंट कितना है, ये 0 है. 0 से 15 तक कितना हो जाएगा, 15 ही तो होगा. उसे टू कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 15 मीटर. सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकंड्स टू ब्रेक द कार टू अ स्टॉप विद इन 1 सेकंड. ठीक है जी, अब जरा ग्राफ देखिएगा. इन्होंने बोला कि एट द एंड ऑफ 5 सेकंड, ये 5 सेकंड तक कार चलती रही, पहले कार की स्पीड बढ़ी, स्पीड बढ़ती रही, फिर कांस्टेंट हो गई स्पीड, यानी कि अब स्पीड बढ़ती रही, अब एक्सेलरेशन नहीं है. फिर यहाँ पर 5 सेकंड जैसे बीते तब उसको ड्राइवर को ज़रूरत लगी कि ब्रेक लगाने, उसने 1 सेकंड में उसने गाड़ी को रोकना है. तो 5वें सेकंड पर वो एकदम से 1 सेकंड के अंदर अंदर स्पीड को इतना कम ले आया कि 0 पर ले आया. तो 5वें सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हम ये बोलेंगे इसमें कि ये घटती हुई स्पीड है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है. स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ. हाँ जी, स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये 15 अपॉन बेस क्या हो गया, 5 और 6 के बीच में कितना गया, 1 का 1. मैं इसको लिखूंगा माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. माइनस क्यों आया ये बता दो, रिटार्डेशन. हाँ, क्योंकि रिटार्डेशन है. आप ये देखिए स्पीड कम हो रही है, जब स्पीड घट रही है तो उस एक्सेलरेशन को ही हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल देते हैं, जिसको रिटार्डेशन कहा जाता है. तो ये माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. अब वो पूछ रहे व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड. तो ब्रेकिंग फोर्स के लिए मेरे को कार का टोटल मास वो चाहिए, 1000 किलोग्राम दे रखा है. तो हम क्या बोलेंगे ब्रेकिंग फोर्स. हाँ जी, उससे भी निकाल सकते थे, उससे हमें ऐसे निकालना होता कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी लेते 15 मीटर पर सेकंड, फाइनली हम स्पीड को घटाकर 0 पर ले आए, तो फाइनल वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकंड, और फिर टाइम कितना है 1 सेकंड. तो V है, U है, T है, तो A हमारे पास आ ही जाए, वो भी माइनस 15 ही आए, है ना. उस तरह से निकालोगे तो भी ब्रेकिंग फोर्स F इज इक्वल टू एम ए. -15,000 न्यूटन. ठीक है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर सिर्फ इतना शो कर रहा है कि ये ब्रेकिंग फोर्स है. ब्रेकिंग फोर्स जो है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है. ब्रेक जो है, जैसे पहिया ऐसे आगे की तरफ घूमता है ना, तो जो ब्रेक है वो ब्रेक की डायरेक्शन ऐसे होती है, वो पहिए को पीछे की तरफ रोकता है ज़्यादा. ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर हम साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल में तो रबर के पैंट लगे रहते हैं, तो हम उसको ब्रेक को दबाते हैं तो रबर के पैंट साइकिल के रिम को टच करते हैं तो साइकिल रुक जाती है. लेकिन जो हाई स्पीड कार्स हैं, हाई स्पीड बाइक्स हैं, तो उनमें ऐसा नहीं होता है ना, उनमें तो रबर पैड ही टूट जाएंगे. अगर आप 100 की स्पीड पर चला रहे हो, रबर पैड से सोचोगे और रुक जाएगा, रबर पैड ही जल जाएंगे. तो उसमें जो स्पीड, जैसे टायर ऐसे घूम रहा होता है, तो जो उसका जो ब्रेक है वो ब्रेक ऐसे घूम रहा होता है, जिसको आपने सुना होगा ABS. इस कार में ABS सिस्टम है, इस कार में, इस बाइक में ABS सिस्टम है ना, उसको बोलते हैं एंटी ब्रेकिंग सिस्टम. एंटी ब्रेकिंग मतलब ये जो एंटी ब्रेकिंग है वो होगा
जो मोशन है, मोशन के ठीक अपोजिट साइड में, तो वो कार हो या बाइक हो उसको वहीं ऐसे स्टेबल रोक देते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि आपने रोका भी तब भी वो मतलब वो घिसटते घिसटते पता चला सामने ऑब्स्टेकल में टकराई गई। ठीक है, तो ये आपका माइनस 15,000 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए जी और दो तीन क्वेश्चंस करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं। आज इतना ही कर लीजिए।